नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि अयोध्या नेपाल में है और भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर अतिक्रमण किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं ना कि भारत के। ओली अपने निवास पर भानु जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक दमन का आरोप भी लगाया। ओली ने कहा कि हमारा हमेशा से ही मानना रहा है कि हमने राजकुमार राम को सीता दी, लेकिन हमने भगवान राम भी दिए। हमने राम अयोध्या से दिए लेकिन भारत से नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज का एक छोटा सा गांव थोरी था। हमारा सांस्कृतिक दमन किया गया और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हमीले भारतका होइन अयोध्याका रूपले दिएका थियौँ। हामीले अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो, अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या जनकपुर थिया, अयोध्या वीरगन्जको पश्चिमपट्टि थोरीमा वाल्मीकि आश्रम थियो र दशरथबाट सन्तान नभएपछि उत्कृष्ट यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृङ्गा पछि गएर उसले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि श्रृङ्गा भन्ने ठाउँ छ। नेपाल के प्रधानमंत्री के भगवान राम पर दिए गए इस बयान पर अयोध्या के संत भड़के हो रहे हैं। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा है कि आज से नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वेद और पुराण में वर्णन का जिक्र करते हुए रामदास महाराज ने कहा कि नेपाल में सरयू है ही नहीं। रामदास महाराज ने कहा कि मेरे लाखों शिष्य नेपाल में रहते हैं और कल से लाखों की संख्या में भक्त सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को एक महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा। यह धर्मादेश मैं जारी करता हूं। मेरे शिष्य सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें और ओली को सत्ता से बाहर करें। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं राम जी का अयोध्या वही। ओली का बयान उस समय आया है जब भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा है। नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें तिब्बत चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। भारत ने नेपाल की इस हरकत पर कड़ा एतराज जाहिर किया था और चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि नेपाल ऐसा दूसरों के कहने पर कर रहा है।